तो देखिए ये तेजस्वी यादव जी आप ही स्वास्थ्य मंत्री हैं और हाजीपुर का सदर अस्पताल है और यहाँ पे एक महिला जो है 3 महीना पहले डिलीवरी के लिए यहाँ आती है, ऑपरेशन होता है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन पेट में जो है डॉक्टर के लापरवाही से स्पंज पेट में रह इस समय ऑपरेशन के दौरान इनको पेट में स्पंज जो होता है ऑपरेशन वही छोड़ दिया गया है। सिविल सर्जन जी से मिले तो उस समय क्या बोले थे वो? वो बोले कि पेशेंट के लेकर आओ और पेशेंट के मतलब कि ऑपरेशन किया जाए। बताया गया था कि उसके पेट में जैसा रिपोर्ट था छूट गया है। रिपोर्ट देखकर क्या बोले? रिपोर्ट देखकर बोले कि हाँ ये तो मतलब कि गलत है, डॉक्टर से बार बार गलती हो जाती है, मतलब कि वो तो भगवान से भी गलती हो जाता है। ठीक है, गलती मानते हैं, ऑपरेशन होगा। सरकारी अस्पताल में गरीब लोग आते हैं और इसके साथ में ऐसा किया जाएगा तो फिर सरकारी अस्पताल कौन काम करेगा? दोस्तों अभी हम हाजीपुर सदर अस्पताल में हैं, जहां से आप एक वीडियो देख रहे थे कि किस प्रकार से महिला जो है 3 महीने ऑपरेशन कराती है सदर अस्पताल में और उसके बाद जो है इसके पेट में जब बच्चा होता है उसी समय से जो है इसके पेट में दर्द छूट जाता है। ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, सीटी स्कैन रिपोर्ट में भी आता है। आइए हम बातचीत करेंगे, उनके परिजन है हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि महिला आज भी जो है यहाँ एडमिट है। क्या बात हुआ, कैसे हुआ? मतलब कि इनको ऑपरेशन के दौरान डिलीवरी समय ऑपरेशन के दौरान इनको पेट में करते समय स्पंज जो होता है ऑपरेशन वही छोड़ दिया गया है और उसे हम लोग 3 महीना से परेशान थे और जब अल्ट्रासाउंड में पता नहीं चला, फिर सीटी स्कैन करवाए, उसमें सीटी स्कैन दौरान पता चला कि ये सब बात है। तो ये सब बात मतलब कि पता चला तो हम बोले कि ये तो वहाँ गलती किए हैं, तो इन लोग का लेकर आए, उसके बाद वही सब मामला हुआ है। और सीटी स्कैन दौरान ऑपरेशन इन लोग सकारे नहीं, मतलब बहुत दौड़ धूप कर बोले 3 दिन 4 दिन तक दौड़ाए, उसके बाद बोले कि ऑपरेशन होगा, उसके बाद वही सब बोल रहे हैं ऑपरेशन के दौरान कि अब ऑपरेशन हो गया, कुछ नहीं निकला है पेट में। अच्छा, आपके पास रिपोर्ट है सीटी स्कैन ये सब जितना भी रिपोर्ट है? हाँ, अभी तो मतलब कि सीटी स्कैन का ये रिपोर्ट है, देखिए आप लोग ये देख सकते हैं, सीटी स्कैन का ये रिपोर्ट है। साउंड भी हुआ था ना? अल्ट्रासाउंड भी हुआ था। तो अल्ट्रासाउंड में क्या बताया गया था? अल्ट्रासाउंड में भी बताया गया कि कुछ है, मतलब कंफर्म मालूम नहीं थे क्या है। हाँ। तो इसलिए वो डॉक्टर सीटी स्कैन के लिए भेज दिए गए हैं, तो सीटी स्कैन करवाएं, उसके बाद पता चला कि ये बात है तो वही डॉक्टर के। अच्छा, आप लोग जब यहाँ पे आए सिविल सर्जन जी से मिले तो उस समय क्या बोले थे वो? वो बोले कि पेशेंट के लेकर आओ और पेशेंट के मतलब कि ऑपरेशन किया जाएगा। रिपोर्ट देखकर क्या बोले थे? रिपोर्ट देखकर बोले कि हाँ ये तो मतलब कि गलत है, डॉक्टर से बार बार गलती हो जाती है, मतलब कि वो तो भगवान से भी गलती हो जाता है। ठीक है, गलती मानते हैं, ऑपरेशन होगा। हाँ। अच्छा, अभी कैसी है, स्वस्थ है, बोल, बातचीत कर रही है? बातचीत तो अभी नहीं कर रही है। क्या करते थे आपके, ये कौन लगती है? मेरी दीदी लगती है, सिस्टर है। क्या करते हैं जीजा जी? मेरे साटा बजा के काम चलाते हैं। अच्छा, मतलब गरीब हैं? गरीब हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस हम यही कहना चाहेंगे कि सरकारी अस्पताल पे ये सब अति कराया जाए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में गरीब लोग आता है, कोई अमीर नहीं आता है। और ये सरकारी अस्पताल में गरीब लोग आते हैं और इसके साथ में ऐसा किया जाएगा तो फिर सरकारी अस्पताल कौन काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा। तो देखिए ये तेजस्वी यादव जी आप ही स्वास्थ्य मंत्री हैं और आप देख सकते हैं आप ही के हॉस्पिटल में, ये हाजीपुर का सदर अस्पताल है और यहाँ पे एक महिला जो है 3 महीना पहले डिलीवरी के लिए यहाँ आती है, ऑपरेशन होता है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन पेट में जो है डॉक्टर के लापरवाही से स्पंज पेट में रह जाता है। उसके बाद यहाँ पे वो 3 महीने तक भटकती है, इधर उधर इलाज करवाती है और लगातार जो है पेट के दर्द से परेशान रहती है पूरे परिवार के लोग, यहाँ तक कि ससुराल के लोग, मायके के लोग, ये सारे लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसके बाद सीटी स्कैन करवाते हैं, तब जो है उस रिपोर्ट में देखा जाता है कि पेट में अंदर कुछ है और उसके बाद ये हाजीपुर सदर अस्पताल आते हैं, यहाँ के सिविल सर्जन से मिलते हैं तो वो रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि हाँ इस रिपोर्ट में कुछ ना कुछ है, गलती हो सकती है, भगवान से भी गलती होती है, सड़क चलते जो है दुर्घटना हो जाता है, तो ऐसी लापरवाही हो सकती है कि हुआ हो और उन्होंने ये कार्रवाई किया। उसके बाद ये लोग क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुने, डॉक्टर साहब ने क्या कहा वो भी आप लोगों ने सुना, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं आइए हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ कहिएगा क्या?
चलिए, तो ये अभी बोलने के अथी हालत में नहीं है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं इंजेक्शन लगा हुआ है, पानी जो है लगातार इनको चढ़ रहा है। और समझिए 3 महीने से जिसके पेट में अगर कुछ हो तो वो कितना दर्द से परेशान हो। पहले तो बताया गया था कि उसके पेट में जैसा रिपोर्ट था छूट गया है, कल उसका ऑपरेशन भी हो गया तो ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिला उसके पेट में। अब गलत हम ही रिपोर्ट करते हैं, जो जांच करता है वो ना करता है, जो बाहर से करा के लाया था उसके आदमी को कहा गया यहाँ करा लो, तो बोला ना हम बहुत बढ़िया जगह से करा के लाए हैं, हाँ तो रिपीट नहीं कराया। सर रिपोर्ट देखकर आप ही की तरफ से कहा गया था कि कभी गलती हो सकती है, तो गलती तो ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशन होता ही है, गलती होता है आदमी से। अभी सर महिला कहाँ पे है? महिला भर्ती है अस्पताल में, ऑपरेशन हो गया सर? हाँ ऑपरेशन कल हो गया, रोगी ठीक है। पेट से सर कुछ ऐसा मिला? नहीं कुछ नहीं मिला।